नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। एम्स इस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात है, हमें भूलना नहीं चाहिए, आरती राव ने कहा। चुनावी दौरे के दौरान गांव में बोली भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव। अपने पिता एवं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के चुनाव प्रचार में उतरी आरती राव ने आज एम्स को लेकर विपक्ष द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार का करारा जवाब देते हुए कहा कि इसमें देरी सरकार व राव इंद्रजीत सिंह की मंशा से नहीं बल्कि तकनीकी कारणों से हुई है। उन्होंने कहा कि राव ने जहां एम्स के लिए लगातार क्षेत्र का वकील बनकर केंद्र में पैरवी की, वहीं सरकार ने भी उनकी हिमायत को तवज्जो देते हुए एम्स निर्माण का रास्ता न केवल साफ किया बल्कि आमजन को विश्वास दिलाने के लिए राव के ही आग्रह पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास भी किया। उन्होंने एम्स के निर्माण में सहयोग करने वाले क्षेत्र के लोगों का आभार भी जताया। आरती राव ने दावा किया कि एम्स के निर्माण के बाद उसका उद्घाटन भी स्वयं नरेंद्र मोदी ही करेंगे। वे आज खंड खोल के गाँव नांगल, जमालपुर, राधा की ढाणी तथा शोभा की ढाणी के अलावा अन्य गाँव में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। प्रत्येक गाँव में महिलाओं व पुरुषों ने फूल मालाओं व पगड़ी पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा पदाधिकारियों के अलावा भारी संख्या में लोग मौजूद थे। बड़ा मुद्दा है जी, यहाँ पर आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जी बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। सुबह से जिस मीटिंग में भी गई हूँ, लोगों का अपार प्यार मिल रहा है और सब कह रहे हैं कि इस बारी 100% वोट वो राव साहब के और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालेंगे। महिलाओं और युवाओं पर विशेष फोकस है दोनों ही सभी दलों का। हाँ जी, तो आपका क्या पूरा टारगेट ऑडियंस भी आपका भी यही है? हाँ जी, युवा महिलाएं सभी वोटर्स का के ऊपर है, मगर हाँ जी ज़रूर मेरा स्पेशली महिलाओं पे है और मैं चाहती हूँ कि आने वाले इलेक्शंस में महिलाएं अपने पुरुष साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला के उतने ही वोट डालें जितने पुरुष डाल रहे हैं। और हम हमेशा राव साहब और राव साहब की पूरी टीम हमेशा कोशिश करती रही है कि हमेशा महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द ठीक जो भी हल हो सके किया जाए और महिलाओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। 4.5 लाख नई वोट युवाओं की तो युवाओं को मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि मैं जानती हूँ कि सोशल मीडिया का वक्त है और सभी सोशल मीडिया पे ज़्यादा मीटिंग्स में कम आते हैं, सोशल मीडिया में ज़्यादा देखते हैं। मैं बस उनसे बस ये अपील करना चाहती हूँ कि 25 तारीख को आप प्लीज़ आधे घंटे के लिए अपना कीमती समय ज़रूर निकालें, क्योंकि आप देश का फ्यूचर हैं और आप ही फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो इस बारी भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर, क्योंकि विकास के कार्यों पे भारतीय जनता पार्टी आपके वोट मांग रही है, मोदी जी के लिए मांग रही है, राव साहब के लिए मांग रही है। तो मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि आधा घंटा अपने कीमती वक्त निकालें और आप सभी जाएँ और अपना मतदान ज़रूर करें। बहन जी, कांग्रेस और जजपा बॉलीवुड एक्टर और बॉलीवुड सिंगर को लेकर आए, तो वो एंटरटेनमेंट वर्सेस विकास जो चल रहा है उसको लेकर क्या कहें आप? जी आपने ही बोल दिया कि एंटरटेनमेंट वर्सेस विकास हो रहा है, तो ये मेरे को लगता है कि हमारे लोग बहुत ही समझदार हैं, वो समझते हैं कि एंटरटेनमेंट चंद मिनटों की बात होती है और विकास नहीं, हमेशा हमेशा और हमारे बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले इलेक्शन में विकास की ही जीत होगी। चलो जी, थैंक यू। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।